भैया एक बात सुनो, 56 इंची सीना अपने इंच टेप से नापा होगा, मैंने नापा नहीं। दूसरी बात, हमारे देश का वो खुद बताते, बताने की छोड़ो, 56 इंची सीना आपको चाहिए, हमें नहीं चाहिए। प्रवक्ता कहती है कि 70 साल में अब आगे, अरे वो प्रवक्ता हमें ना दिखे, कहाँ चले गए, हम कहाँ मर गए हैं, हमें दिखाता उन प्रवक्ताओं को, हमें तो दिखे ना, हम तो डेली आवे। कली सुधांशु त्रिवेदी टेलीविजन पर बैठ के, टेलीविजन पर क्या करेगा, देश का किसान यहाँ पड़ा है, यहाँ बैठो, टेलीविजन पर फोटो खिंचवाने का ज्यादा शौक चढ़ रहा, देश कहाँ देख रहा, हम तो यहाँ पड़े हुए, हम देख रहे हो ना, अब हम ना देखते वो इनके दिन चले गए। दूसरी बात, किसान यहाँ पड़ा है, यहाँ पे आके बैठ के बात करें, टेलीविजन का जमाना छोड़ दे, क्या दिक्कत हो रही, टीवी पिक्चरों में आने के लिए तो ये कंगना रनौत फड़ाना ढिकाना ये बतेरी है। कि आप लोग समझ जाएंगे अभी भटके हुए। अच्छा भटके हुए, तो बाबा जी से रिक्वेस्ट है, कृपया करके ज्ञान दें हमें, सहयोग करें, हमें ज्ञान के रास्ते पर ले जाएं, आप व्यापारी ना बने। मन की बात सुनी, गेंडे चीते हाथी बिल्लों की बात कर रहे, किसानों के मन की बात तो करी नहीं। जिस आदमी को अपनी घरवाली के मन की बात ना पता हो, तो देश के किसानों की, देश के युवाओं की क्या मन की बात पता होगी, आप ही बताइए। देश के लिए परिवार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अरे परिवार ने इन्हें छोड़ दिया, चोर आदमी को, ये कहते हैं ना बार बार मैं चौकीदार, हकीकत में अब हमारी समझ में आया ये चौकीदार है, मालिक तो वे है, ये तो उद्योगपति, अब समझ में आया कि ये चौकीदार है, हम इतने दिन से समझ ही ना पा रहे थे, ये बार बार कह रहे चौकीदार चौकीदार, हम सोच रहे भैया देश के चौकीदार हमें ना बताता अडानी अंबानी जी के, अरे इनके इनके चौकीदार है ये। युवाएं इतनी नौकरी पाएंगे, पहले ही मट्टी पलित कर रखी थी चुप प्रधानमंत्री जी ने, चुप जो प्रधानमंत्री, उन्होंने मट्टी पलित, 200 करोड़ पद कांग्रेस की सरकार में जो थे वो खाली थे, रही सही डेथ वारंट इन्होंने निकाल दिया, मिली नौकरी आपको, मिली, अगर आपको मिलती है उक्का टांडिया बिस्तर नठा के फिरते आप। आप लोगों को टाइम दिया है 2022 तक सब मजबूत हो, भैया 2014 में प्रधानमंत्री चुने गए थे और मेरे हिसाब से कई साल हो लिए, दूसरी योजना में वो है, अब कब तक टाइम, बुड्ढे हो लेंगे, अब तो हमारी ब्याह प्याह की तैयारी हो रही थी, अरे इन्होंने यहाँ मट्टी पलीत करवा दी बॉर्डर पे, तो ब्याह भी बिगड़ गो। मोदी जी भी के कौन से गेहूं जो है न, उनके क्या नाम है उनका, अंबानी जी है उनके, उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई कि वो पैसा मशीन में डाले और गेहूं निकल आए, वो भी हमारा ही खा रहे हैं, ठीक है, हमारा उगाया हुआ ही खा रहे हैं वो। दूसरी बात ये जो 570 साल से लंगर चले हुए हैं देश में, वाहेगुरु जी की अगर कृपा रही पता नहीं कितने साल तक चलेंगे, क्या दिक्कत है। ये देश का किसान है, लाख रुपए की तो भैंस भी क्या है इसकी, ठीक है, और फॉर्चुनर में स्कॉर्पियो में गोबर ढोए तो दिमाग को अपने को सेट रखे, 4-6 जने मिलके बंगवाली होगी, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, कहां आप हता रही है, ये 10 लाख भाई बात सुन, देश का जो चौकीदार है 10 लाख का सूट पैर का फकीर है, ये देश का किसान है, 4-6 जनों ने मिलकर मंगवाली होंगी, क्या दिक्कत हो रही, परेशानी कहाँ हो रही है ये बताओ, 1.5 लाख का पैन लगा सके वो फकीर आदमी, तो ये देश का किसान 10-5 लाख की 4-6 जने इकट्ठे होकर मशीन ना लगा सकते। मोदी जी गलत कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का सही परिचय दें, वो थोड़ी सी गणित पणित की पढ़ाई कर लें और अच्छा रहेगा उनके लिए, सरकारी खाते में जाके अपना इलाज करवाएं, अगर उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम लगे, मुझे लग रही है कभी वो क्या गाते हैं कभी क्या गाते हैं, मन की बात है, मुद्दा चल रहा किसान आंदोलन, गा रहे हैं गेंडा हाथी चीते बिल्ले, कुछ भी अडानी अंबानी कौन सा, वो भूखा मर जाएंगे, उनको तो अपनी टॉप लिस्ट में नाम चाहिए अमीरों की, टॉप लिस्ट में नाम चाहिए अमीरों की, मोदी जी को तो दिल में बसना चाहिए था, जनता के दिल में उनके रहना चाहिए था, ये मोदी जी गलत कर रहे हैं।